पहली बार महिला आदिवासी प्रथम निवासी, इन शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज की बहुत बड़ी खबर है ये। पहली बार महिला आदिवासी प्रथम निवासी, जी हां, आज ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक दिन है आज। एक तरफ पूरे देश में आज एक तरह के उत्सव का माहौल है, एक तरह के जश्न का माहौल है। बतौर भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, एक और इतिहास भारत ने रचा है। देश को पहली आदिवासी, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिल चुकी है, मिल रही है, जी हां, बहुमत उनको हासिल हो चुका है। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये खबर आपको बता दें, क्रॉस वोटिंग भी हुई है, 17 सांसदों ने उनके पक्ष में क्रॉस वोट किया, 104 के करीब विधायकों ने उनके पक्ष में क्रॉस वोट किया। बताया जा रहा है असम के 22 हैं, छत्तीसगढ़ के 6, झारखंड के 10, मध्य प्रदेश के 19, महाराष्ट्र के 16, गुजरात के 10, मतलब कई कांग्रेस के ऑपोजिशन के कई विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में जो है वोट दिया है। द्रौपदी मुर्मू पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति, पहली महिला आदिवासी प्रथम निवासी, बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इस बीच एक तो ये तस्वीर, दूसरी तरफ आज जगह जगह प्रदर्शन हुआ, ये भी आज की तस्वीर है, हिंसा, हंगामा, आगजनी, ट्रेन रोकी गई, भाई ट्रेन रोकी गई है, आम लोगों को परेशान किया गया, ट्रेन रोकी गई, देखिए, क्योंकि परिवार से सवाल पूछ लिया था, भाई घर में आके सवाल पूछे जा सकते थे ना, ये सजेशन दिया गया आज, आपको भरोसा नहीं होगा, अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि भाई घर आके पूछताछ कर लेते, घर आके सवाल पूछ लेते। आप सोचिए, ट्रेन रोक दी गई, परिवार से सवाल, देश में बवाल, परिवार से सवाल, लोकतंत्र पर सवाल है क्या? क्योंकि आज नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से 2 घंटे पूछताछ हुई, ये पूछताछ करीब 2 घंटे हुई है, और सोनिया गांधी से सवाल के विरोध में देश भर में बवाल हुआ, ये सत्याग्रह पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कह लीजिए, अब ये दुराग्रह है क्या, सत्याग्रह या दुराग्रह, क्योंकि रविशंकर प्रसाद ने इसको दुराग्रह का नाम दिया, एजेंसियों से दुराग्रह, सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन हुआ, बेंगलुरु में गाड़ी में आग लगा दी गई, दिल्ली में ट्रेन रोक दी गई, सत्याग्रह। पिछली बार तो मोदी की मृत्यु कामना करी गई थी सत्याग्रह के नाम पर, ईडी के पुतले जलाए गए, ईडी को इडियट कहा गया, सत्याग्रह। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में ईडी को इडियट बताया गया, अधीर रंजन चौधरी, इडियट, ईडी को इडियट बताया उन्होंने, मतलब सोचिए, परिवार की ताली मिलेगी क्या, मतलब ईडी को गाली से मिलेगी परिवार की ताली। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि ईडी सोनिया गांधी से उनके घर आकर भी पूछताछ कर सकती थी, ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग पर आरोप लगाया कि एजेंसियां विपक्ष को दबाने का काम कर रही है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। दूसरी ओर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस देश में सत्याग्रह के नाम पर दुराग्रह कर रही है, कांग्रेस क्यों दिखाना चाहती है कि वो कानून से ऊपर है, क्यों कांग्रेस नहीं चाहती कि संविधान के हिसाब से काम हो, और क्यों कांग्रेस चाहती है कि नेशनल हेराल्ड केस का सच सामने ना आए। रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद मेरे साथ लाइव है। रविशंकर प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला न्यूज 18 इंडिया के लिए, सर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, धन्यवाद, मेरा पहला सवाल यही है, बार बार जो आरोप लगाया जा रहा है कि ये वेंडेटा है, बदले की भावना है, परेशान करने के लिए सब किया जा रहा है, देखिए पहला मेरा सवाल ये है कि क्या देश में आम आदमी के लिए एक कानून होगा और कांग्रेस के परिवार के लिए दूसरा कानून होगा? कांग्रेस पार्टी ने देश में 60-65 साल तक शासन किया है ना, देश में वो क्या नजीर पेश कर रहे हैं? यही कह रहे हैं ना कि आम आदमी को पुलिस बुलाए थाने में पूछताछ करने के लिए, तो थाने में जाकर घेर लो, इनकम टैक्स में, ईडी के दफ्तर में, तो एक कानून आम नागरिक के लिए अलग होगा, इनके लिए अलग होगा। दूसरी बात यह है कि आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही है रविशंकर, मेरी आवाज सुन रहे? ठीक। दूसरी बात, यह मामला है क्या है समझना चाहिए, मैं आप अनुमति दीजिए मैं आपके चैनल पर इसको एक बार रिकॉल करके बताऊं कि 14 में हम लोग के सत्ता में आने के पहले यह कॉम्प्लेन हुआ था, उस पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया, किसमें 420 धोखाधड़ी,
120 कॉन्स्पिरेसी किसके खिलाफ? सोनिया जी और राहुल गांधी और बाकी मोतीलाल वोरा और उन लोगों के खिलाफ। उसके खिलाफ वो हाईकोर्ट गए क्वाश करने के लिए, फेल कर गए। उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए, फेल कर गए। बेल लेना पड़ा। आज माता जी और पुत्र जी दोनों आदमी बेल पर हैं, धोखाधड़ी और कॉन्स्पिरेसी के आरोप में। इनकम टैक्स ने कार्रवाई की, उसके खिलाफ ट्राइब्यूनल गए, हाईकोर्ट गए, सब जगह हार गए। तो अगर सारे कानून की प्रक्रिया आपके खिलाफ हुई तो आज आपसे अगर ईडी पूछ रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में तो गलत कर रहा है क्या? और आप जवाब नहीं देंगे, ये है बहुत महत्वपूर्ण सवाल। दूसरी बात कि वहां पर पवन बंसल गए कि नहीं ईडी के सामने, मल्लिकार्जुन खड़गे गए कि नहीं ईडी के सामने, तो राहुल गांधी को लेकर इतना तूफान क्यों किया गया? याद करिए, आप अनुभवी पत्रकार हैं, पूर्व में चिदंबरम साहब के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की थी कि नहीं की थी जी। वो जेल गए थे कि नहीं गए थे? तिहाड़ जेल में लगभग 100 दिन रहे थे कि नहीं रहे थे? तो क्या उस समय कांग्रेस पार्टी ने खुराफात किया था क्या? तो ये सिर्फ सोनिया जी और पुत्र जी राहुल गांधी के मामले में, तो मैंने एक बात कही थी कि ये सत्याग्रह नहीं है, दुराग्रह है। कानून के खिलाफ संस्थाओं को, जो आपने चर्चा की क्या शब्द का प्रयोग किया गया, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। और आज की पूरी कहानी क्या है? कांग्रेस पार्टी परिवार की जेब में, कांग्रेस के नेता परिवार की जेब में, अब कांग्रेस पार्टी की संपत्ति भी परिवार के जेब में। यह है पूरी कहानी। हाँ, और हम उसमें जवाब नहीं देंगे। लेकिन लेकिन रविशंकर प्रसाद जी, बार बार ये पक्ष आता है कि जो यंग इंडिया है वो तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट है, तो वहां से कोई प्रॉफिट नहीं है, वो देश की संपत्ति है, उससे कोई प्रॉफिट नहीं मिला पार्टी को। अब जरा मैं आपको इसका भी जवाब दे दूं, ये क्या कहानी है? नेशनल हेराल्ड पुराना अखबार था, नेहरू जी वगैरह ने शुरू किया आजादी के आंदोलन में, हजारों लोग जनता के उसके शेयर धारक हैं, उनका पब्लिकेशन बंद हो गया आज से 20 साल पहले, लेकिन कांग्रेस ने उनको जमीन बहुत दी थी, तो मोहाली में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में और आपके मुंबई में हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, उससे करोड़ों रुपया किराया आता है। एक बार अपने कैमरामैन को जरा भेज दीजिए बहादुर शाह जफर मार्ग पर, कितनी बड़ी बिल्डिंग है नेशनल हेराल्ड की, मुंबई में भेज दीजिए। अब वो कांग्रेस पार्टी, ये देखिए जानना बहुत जरूरी है, कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपया उनके व्यवस्थापकों को दिया था चलाने के लिए, वो लोन नहीं अदा कर सके। 10-11 में हमारी सरकार आने के बाद यंग इंडिया को वो सारे 99% शेयर दे दिए गए। किस शर्त पर? कि इसका लोन वो कांग्रेस का अदा करेंगे। और यंग इंडिया के शेयर धारक कौन कौन है? सोनिया जी 38%, राहुल गांधी 38%, 76% मेजॉरिटी परिवार के पास है, बाकी वोरा जी और जो एक सज्जन मर गया ऑस्कर फर्नांडिस उनके नाम से थी। और जैसे ही ये डील पूरी हुई तो कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया। तो जिस लोन को देने की एवज में 99% शेयर दिया गया था उसको माफ कर दिया गया। तो अब कहे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, अरे भाई ये पूरे नेशनल हेराल्ड की सारी संपत्ति सब कुछ किसके हाथ में है? तो 76% यंग इंडिया के हाथ में है, जिसका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट किसके पास है? सोनिया जी राहुल के पास। तो क्या कहा जा रहा है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ? इसीलिए तो ये मामला है धोखाधड़ी का, अनियमितता का। और बार बार वो कोर्ट गए, महीनों तक बहस हुई, सुप्रीम कोर्ट गए, महीनों तक बहस हुई, बेल तो नहीं मिला जी, आज तक नहीं मिला। तो ये है महत्वपूर्ण सवाल, इसलिए मुझे लगा कि आज इसके कानूनी पहलू को बताना बहुत जरूरी है, जवाब कांग्रेस पार्टी नहीं देती है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं, लेकिन कांग्रेस कह रही है भाई प्रदर्शन का तो अधिकार है ना भाई, मतलब सड़कों पर उतरकर सत्याग्रह का तो अधिकार है, हंगामा, प्रदर्शन, विरोध, वो तो लोकतांत्रिक अधिकार है, वो नहीं करने दिया जा रहा। बसों में ठूस ठूस कर उनको वहां से हटा दिया गया, उन पर ज्यादतियां हो रही हैं, पिछली बार जो हुआ, कांग्रेस कह रही है वो तो अधिकार है हमारा, वो तो मच्छी नहीं है भाई। रविशंकर जी, किसने मना किया है? किसने मना किया है? आपने दिल्ली पुलिस को कहा था क्या कि हम धरना देंगे? आप मुझे बता दीजिए, ये जो पूरा इलाका है जहां ईडी का ऑफिस है वो क्या है, वहां धरना दे सकते हैं क्या? दिल्ली में, नई दिल्ली में
धरना की जगह कहां पर है? जंतर मंतर है ना, वहां गए थे क्या आप? एक बात, और धरने की बात है तो आज मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो देश के नेता हैं आदरणीय मोदी जी, वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनके खिलाफ प्रताड़ना के लिए यूपीए सरकार ने कई केस लगाए थे ना, उस केस के इन्वेस्टिगेशन में वो घंटों इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने अहमदाबाद में पेश हुए कि नहीं हुए? शांति से मुख्यमंत्री के रूप में पेश हुए। कभी गुजरात के बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पे आए क्या? कभी दिल्ली में बीजेपी ने प्रदर्शन किया क्या? एसआईटी का घेराव किया क्या? आराम से गए, इन्वेस्टिगेशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट में गया, निर्दोष होकर तप कर निखर कर निकले, क्योंकि कोई सबूत नहीं था। एक ये भी प्रमाण है और आप यहां देख लीजिए क्या हो रहा है। तो प्रदर्शन किस बात के लिए? प्रदर्शन, यही सवाल मैं कर रहा हूं। ये है जो तथ्यों पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास जवाब देने को नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे रविशंकर प्रसाद जी, एक आखिरी सवाल, ये भी आज सलाह दी गई कि घर जाकर भी पूछताछ हो सकती थी, वो उम्रदराज हैं, वो उनके हेल्थ इश्यूज हैं, एक ही परिवार से दो दो लोगों को बुलाए जाने की क्या जरूरत है, ये वेंडेटा है, मतलब घर जाकर भी पूछताछ हो सकती थी। दो घंटे सवाल जवाब थे सिर्फ, ये आखिरी सवाल है। इसका जवाब तो ईडी देंगे, उन्होंने तो दो बार इनको समय दिया था ना। दो बार सोनिया जी ने, जहां तक मेरी जानकारी अखबारों में पढ़ा है, कि उन्होंने कहा कि हम थोड़े अस्वस्थ हैं, तो ठीक है आप बाद में आइए, ये एक मुझे आपसे बात कहनी है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टियों का हाल है, तो अगर ईडी इनके घर पर जाती तो क्या ईमानदारी से ईडी के लोगों को घुसने दिया जाता क्या? आप मुझे बताइए तो जी। डॉक्यूमेंट्स कहाँ है? ईडी के दफ्तर में है। सिक्योरिटी कहाँ है? ईडी के दफ्तर में है। तो ये चाहते कि वो पूरा जो ट्रंक लोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन करके सबूत, जिससे वो सोनिया गांधी को पूछने वाले हैं, वो सब लेकर के जाएं इनके घर पर, और सामने वहां मुख्यमंत्री से लेके बाकी नेता हल्ला करें और उस पूरे दस्तावेजों की सुरक्षा पर सवाल हो, यही चाहते हैं क्या वो? अब ये बताइए कि खड़गे साहब गए थे कि नहीं ईडी के दफ्तर में? खड़गे साहब की उम्र कितनी है? चिदंबरम साहब को बुलाया गया था कि नहीं, उनकी उम्र कितनी है? ये क्या कहा जा रहा है मुझे बताइए आप। इसलिए हमारे लिए अलग मानक होना चाहिए। अब कहा कि दोनों क्यों, दो के खिलाफ क्यों कार्रवाई होगी? तो जब यंग इंडिया में शेयर होल्डर बनने की बात थी जी, तो कभी आपसे पूछा था कि माँ पुत्र दोनों क्यों शेयर होल्डर बन रहे हैं 36-36% के? तो जब शेयर होल्डर बनकर के पूरे मलाई खाना है, क्षमा कर, मैं शब्द नहीं बोलता हूं, तब तो सब ठीक है, लेकिन जवाबदारी होगी तो कहे कि दोनों को क्यों बुलाया है, ये ठीक नहीं है। अच्छा एक और इजाजत दे दीजिए, एक आखिरी सवाल की, एक तो वो तस्वीर है, ये भी तस्वीर आ रही है रविशंकर जी, जेपी नड्डा जी पहुंचे हैं द्रौपदी मुर्मू के घर पर, जो राष्ट्रपति बनी है, और प्रधानमंत्री भी थोड़ी देर में पहुंचेंगे वहां पर। ये भी मेरे ख्याल से भारत के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एक इस पर आपका रिएक्शन। देखिए आप एक बात, आज देश के लिए बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश में एक आदिवासी समाज की महिला बेटी, जिसका स्वयं का चरित्र बहुत ही संकल्प, संघर्ष और समर्पण से भरा हुआ है, योग्य प्रशासक, योग्य मंत्री, योग्य राज्यपाल, वह आज देश की राष्ट्रपति बन रही है। राष्ट्रपति सबसे बड़ा संवैधानिक पद नहीं है, राष्ट्रपति का पद वो कमांडर इन चीफ भी होते हैं। आज आप समझिए कि देश के ये जो लगभग 10-12 करोड़ आदिवासी हैं, उनके मन में कितनी खुशी होगी कि हमारे घर की बेटी आज राष्ट्रपति भवन में बैठने जा रही है। देखिए समावेशी भारत इसी को कहते हैं, और आज मैं अपने नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच का अभिनंदन करूंगा। उनकी सोच थी कि उड़ीसा, ईस्टर्न इंडिया से आने वाली एक अपनी आदिवासी समाज की बेटी, आप देखें कि ममता जी भी हिल गई कि हमसे पहले बात किया होता। आज ये बहुत बड़ा टेक्टोनिक मोमेंट है, क्रांतिकारी मोमेंट है, ऐतिहासिक क्षण है, और आज मैं आपके माध्यम से द्रौपदी जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। और जो भी मैंने उनके बारे में जाना है और सुना है, इतनी सरल,
अब बताइए, दो दो पुत्र नहीं रहे, पति नहीं रहे, फिर भी शिक्षा के लिए काम करना, प्रामाणिकता से काम करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। महादेव की भक्त है, मंदिर में सेवा करना, सरल जीवन है उनका। राजभवन 6 साल के बाद हटी तो सीधा उड़ीसा में अपने गांव के पास चले गई मकान रहने के लिए। तो मोदी जी ने जो क्रांति की है जी, ये बहुत बड़ी क्रांति है। और मैं मानता हूं कि आप लोग आगे इस पूरे क्रांति के बड़े क्षणों को समझेंगे। और एक अंतिम बात इसे में मैं और कहना चाहता हूं, अभी तक अपने आदिवासी समाज के लोग थोड़ा सा वनों में रहते हैं, बाकी रहते हैं, उनका रिजर्वेशन वगैरह है, लेकिन उनको एक बहुत बड़े प्रतीक की भी आवश्यकता थी कि देश में हमारी भी सुनवाई है, देश में हमारा भी सम्मान है, देश में हमारी भी पुछवाई है। आज द्रौपदी जी के माध्यम से ये जो प्रतीक बना है, तो देश के लोकतांत्रिक कहते हैं प्रक्रिया और परंपरा में उनको सम्मान का एहसास भी हुआ है, इसको समझना चाहिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब इस ऐतिहासिक क्षण को याद किया जाएगा, उस तरफ जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन वो भी चीज़ें याद की जाएंगी जब उनके लिए मूर्ति और पता नहीं कैसे एविल फिलॉसफी, क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर। धन्यवाद, आपने समय निकाला सर, सांसद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र राजपूत जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे किसी भी वक्त, इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो द्रौपदी मुर्मू के घर पर, ये तस्वीरें लाइव तस्वीरें हैं। द्रौपदी मुर्मू का घर आप देख रहे हैं, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे खुद उनको बधाई देने के लिए। और इस वक्त आप देख रहे हैं जेपी नड्डा, ये इंतजार यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि रश्मि न्यूज 18 संवाददाता मेरी सहयोगी इस वक्त लाइव है। अब रश्मि, इंतजार प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे? ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जेपी नड्डा इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एक रिएक्शन मैं जल्दी से ले लेता हूं। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक क्षण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं। पहले इस पर एक कमेंट ले लेता हूं, फिर हम सोनिया गांधी और उस पर भी आएंगे, लेकिन ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक पल, लेकिन यह भी याद किया जाएगा इनको, एविल फिलॉसफी, कांग्रेस पार्टी, अजय जी ने जो कहा था और तेजस्वी जी ने कहा था कि मूर्ति नहीं चाहिए राष्ट्रपति भवन में, वो भी आज याद रखना चाहिए, क्या क्या अपमान इनका किया गया था। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए अमन जी, यह स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है और इसकी इससे बड़ी सार्थकता नहीं हो सकती थी कि पहली बार वनवासी आदिवासी समुदाय की एक महिला देश की सर्वोच्च पद पर आसीन होकर देश की प्रथम नागरिक बनने जा रही हैं। तो मैं कह सकता हूं कि इस अमृत महोत्सव वर्ष में इस अमृत के तत्व की इससे अच्छी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, और इसके रचनाकार शिल्पकार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके नेतृत्व में NDA ने यह निर्णय लिया। और यह निर्णय कितना सार्थक और प्रभावी था कि आपने देखा कि अनेक दलों की दलीय सीमाएं टूट गई और अनेक गैर NDA दलों ने भी आकर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। सुधांशु जी, तस्वीर हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हैं द्रौपदी मुर्मू के घर, ये लाइव तस्वीरें हैं, द्रौपदी मुर्मू का घर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मां महिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनको बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। जेपी नड्डा वहां पर है, जश्न का माहौल है, उत्सव का माहौल है, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनको बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। बोलिए सुधांशु जी, आपका ऑडियो जा रहा है, बोलिए आप, और तस्वीरें चल रही है, प्रधानमंत्री पहुंचे वहां पर। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी आज पहुंचे हैं तो वो इस ऐतिहासिक क्षण के सूत्रधार हैं, वो ऐतिहासिक क्षण के शिल्पकार हैं, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में NDA ने यह निर्णय लिया। और मैं कह सकता हूं कि दीनदयाल जी का जो विचार था, अंत्योदय, अंतिम सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति का उदय, अगर उसे वास्तविक अर्थों में साकार किया है तो मोदी जी ने इस निर्णय के द्वारा। और फिर देश के सभी सांसदों और विधायकों ने
दलीय सीमाओं से ऊपर जाकर आज भी जो समाचार आया कि बहुत जगहों पे क्रॉस वोटिंग हुई, तो मुझे लगता है वो उसे क्रॉस वोटिंग नहीं कहना चाहिए। यशवंत सिन्हा जी ने ये कहा था कि अंतरात्मा की आवाज के ऊपर वोट दें, तो मुझे लगता है कई विधायकों और सांसदों का अंतरात्मा की आवाज आई होगी और उन्होंने यह निर्णय लिया होगा कि इस ऐतिहासिक पल में क्यों ना वो भी सहभागी बने, इस ऐतिहासिक निर्णय में क्यों ना वो भी इस यज्ञ में अपनी आहुति दें। तो शायद उन्होंने अंतर्मन से बढ़कर जो दलगत राजनीति ने जो विष फैलाया था उससे परे हटकर उन्होंने यह निर्णय लेने का कार्य किया होगा। और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू के साथ, जेपी नड्डा वहां पर हैं। ये तस्वीरें लाइव तस्वीरें हैं द्रौपदी मुर्मू के घर से, जिसका जिक्र अभी सुधांशु त्रिवेदी भी कर रहे थे। क्रॉस वोटिंग हुई है, 104 के करीब विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी है द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में। अब क्रॉस वोटिंग कह लीजिए या जो यशवंत सिन्हा ने कहा था कि अंतरात्मा की आवाज सुने, और अंतरात्मा की आवाज सुनी कि झारखंड के 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। झारखंड के 10, मध्य प्रदेश के 18, महाराष्ट्र के 16, गुजरात के 10, छत्तीसगढ़ के 6, क्रॉस वोटिंग हुई है, समझिए, ऑपोजिशन कैंप से, क्योंकि बीजेपी के तो मिल नहीं थे। क्रॉस वोटिंग का मतलब है कि मध्य प्रदेश के 18, और ये कांग्रेस के लिए चिंता बढ़ाने वाली चीज है, झारखंड के 10, गुजरात के 10, छत्तीसगढ़ के 6, असम के 22 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऐतिहासिक क्षण, ये एक तरीके से आप समझिए ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। क्या कुछ नहीं कहा गया, सोचिए, तेजस्वी यादव ने कह दिया था कि राष्ट्रपति भवन में मूर्ति थोड़ी ना चाहिए। डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने कह दिया था एविल फिलोसफी द्रौपदी मुर्मू के लिए। सोचिए, सर्वोच्च संवैधानिक पद, सर्वोच्च पद देश का, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीसरे राउंड में ही जीती है वो, और ये वो तस्वीर जब उन्होंने बुके दिया और बधाई दी, शुभकामनाएं दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीसरे राउंड में ही द्रौपदी मुर्मू जो है वो जीती है। सुरेंद्र राजपूत जी, बधाई देना चाहेंगे? सुरेंद्र राजपूत जी, आपका भी ऑडियो जा रहा है, सर बोलिए। राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को उनके चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई, पूरे देश को बधाई, और हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रपति है या देश का राष्ट्रपति है। जिस तरीके से आप लोग बातें कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं संवैधानिक पद की गरिमा को ताक पे रखने का काम कर रहे हैं। वो जीती हैं, कोई व्हिप नहीं होता है। सच बात ये है कि एक सक्षम राष्ट्रपति हुई हैं, उनके लिए बगैर किसी इफ बट के, बगैर किसी शर्त के उनको बधाई दी जानी चाहिए और उनसे मंगल कामना की जानी चाहिए कि आने वाले 5 सालों में वो संविधान की रक्षा के लिए उचित कदम उठाएंगी और राष्ट्रपति पद के रूप में अपने सारे संवैधानिक दायित्वों का पूर्ण श्रद्धा के साथ, अंतःकरण की निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगी और उस देश में एक बहुत सक्षम राष्ट्रपति के रूप में साबित होंगी। हमारी तो उनको बधाई। चुनाव से पहले की जो बातें अभी अमन भाई आप जहर जो बोल रहे थे, अच्छा, हम बड़ी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि चुनाव से मैं पहले जहर बोल रहा हूं। तमाम तरीके की बात, हाँ आप ही बोल, एविल फिलॉसफी किसने कहा था जी? अभी किसने कहा था? मैं तो पिछले 20 मिनट से आपको देख रहा था, सुन रहा था, रविशंकर जी के भी मानसिक स्थिति को देख रहा था। सुधांशु भाई तो खैर हमारे बड़े विद्वान साथी हैं, वो अपनी जगह पर है, लेकिन आपको मैं स्पष्ट कह देता हूं कि चुनाव के समय पे तमाम बातें होती हैं, लेकिन चुनाव के बाद देश जीतता है, लोकतंत्र जीतता है, राष्ट्रपति जीती हैं, उनको बगैर किसी भेदभाव के बधाई होनी चाहिए और वो अपने कार्य करने में सक्षम साबित होंगी, ऐसी हमें उम्मीद भी है और ऐसी हमें अपेक्षा भी है। आज एक बधाई का दिन है, ऐसे समय पर ये जो जहरीली बातें हैं अगर ये की जाए तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे ये आघात है। ऐसी बातों से बचा भी जाना चाहिए और ऐसे लोगों को निषेध भी होना चाहिए। और मुझे अच्छा लगा आप अपने नेता को जहरीला कह रहे हैं, डॉक्टर अजय कुमार को। अरे हम आपको भी स्वीकारोक्ति है, ये तो स्वीकारोक्ति है, अच्छी बात है। आप ये मान रहे हैं? कह रहा हूं जहरीला, अमन चोपड़ा ने नहीं कहा था, अमन चोपड़ा ने नहीं कहा, क्यों बौखला रहे हैं आराम से? क्यों बौखला नाम लेके कह रहा हूं, अमन चोपड़ा नाम का जहरीला। ये क्रॉस वोटिंग की बौखलाहट है क्या? आज भी इस क्रॉस वोटिंग की बौखलाहट है क्या? आज इस जीत सुरेंद्र जी, क्रॉस वोटिंग की बौखलाहट है क्या? अमन चोपड़ा हमारी कोई बौखलाहट नहीं है। तो फिर आपके नेता का जहरीला बयान, आपके नेता ने एविल फिलॉसफी बोला, उनको जहरीला नहीं कहना चाहिए आपको, उनको जहरीला नहीं कहना चाहिए आपको, उनको नहीं कहना चाहिए। बहरहाल चलिए,
चलिए लेकिन हाँ नहीं नहीं क्या कहा कहा था ये वोटिंग इतने जहरीले इंसान हो अमन चोपड़ा कि मैं क्या बताऊं आज के दिन भी ठीक है मैं समझ रहा हूं सुरेंद्र राजपूत जी इतनी बौखलाहट नहीं होनी चाहिए ये विधायकों की क्रॉस वोटिंग की बौखलाहट हो सकती है सुरेंद्र जी मेरी संवेदनाएं आपके साथ और सहानुभूति आपके साथ चलिए अब बस करते हैं क्योंकि मैं आपके स्तर पर उतर गया मैं आपके स्तर पर नहीं उतर सकता इसलिए कह रहा हूं अच्छा नहीं लगता ना सुरेंद्र राजपूत जी कि भगवान आपके दिमाग से और दिल से जहर खत्म करे सुधांशु त्रिवेदी जी सर वो जनता तय कर रही है जो देख रही है जनता तय कर रही है सुरेंद्र राजपूत जी मुझे आज अच्छा नहीं लगा आपने अपने पार्टी के नेता को जहरीला कहा और ये अच्छी बात है आपका आपको स्वीकार रोकती है चलिए सुधांशु त्रिवेदी जी आपको अफसोस होना चाहिए कि महिला आदिवासी राष्ट्रपति के आड़े आप लोग आ रहे थे और क्या क्या शब्द आपकी तरफ से कहे गए उस तरफ मैं इसलिए नहीं जा रहा था आपने मुझे कहा इसलिए मेरे को आपको आईना दिखाना पड़ा आप पर्सनल नहीं होते तो मैं भी आप पर नहीं होता सुरेंद्र राजपूत जी ठीक है ना एक मिनट रुक जाइए बस अब सुरेंद्र राजपूत जी मैं समझता हूँ सुधांशु त्रिवेदी अब देखिए तू तड़ाक पर उतरेंगे आप लोग ये संस्कार है आपके तू तड़ाक पर उतरेंगे नहीं नहीं तू तड़ाक पर उतरेंगे भाई से बात कर रहे थे अगर आपको तुम शब्द से आपत्ति है तो हाँ, खेद हाँ, में बस बस नहीं अच्छा आपको नहीं नहीं मेरे खेद मत प्रकट करिए आप अपने संस्कार बता रहे हैं चलिए बस बस हो गया अब मैं सुधांशु त्रिवेदी जी के पास जा रहा हूँ सुधांशु त्रिवेदी जी उसके बाद मैं मेरे साथ महेश तपासे एनसीपी से भी है राजगोपाल जी भी है सुरेंद्र जी ने बात शुरुआत देखिये सुरेंद्र जी ने बात शुरुआत अच्छे ढंग से की थी कि आज का यह समय है और यह इस समय एक सकारात्मक बात होनी चाहिए परंतु उसी के साथ अंतिम वाक्य उन्होंने कहा यह कौन सी बुद्धि का फेर है मैं वही बताना चाहता हूं कि जब यह साफ दिख रहा था ऐतिहासिक विषय भी था और विजय भी अवश्य भावी दिख रही थी मैं चुनाव के लिए बोला एक एक करके मैं चुनाव के लिए नेता के लिए कह रहे थे नहीं अरे मैं उसी के कांग्रेस नेता के लिए कह रहे थे मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं अमन चोपड़ा अब आप बोल चुके तो मैं बोल रहा हूं ठीक है सुधांशु अरे भाई मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए बात सुनिए मैं दूसरी बात कर रहा हूं आपने अमन चोपड़ा के लिए बोला मैं कांग्रेस पार्टी के लिए बोल रहा हूं कांग्रेस पार्टी की बुद्धि पे कौन से पत्थर पड़ जाते हैं जब जब उन्हें दिखता है कि ऐतिहासिक परिवर्तन का समय है और जिसमें वो भूमिका निभा सकते हैं वहां वो पीछे रह जाते हैं उदाहरण के लिए देखिए अभी द्रौपदी मुर्मू जी के समय में वो आगे आ सकते थे लीड लेके कि हाँ साहब हम भी कहते हैं कि अगर महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज कहा था तिलक ने पूर्ण स्वराज्य कहा था तो स्व के तत्व का पूरा उद्घोष तब होगा जब आज एक आदिवासी वनवासी समाज का व्यक्ति आके बैठेगा हम साथ में 2002 में डॉक्टर कलाम हमने राष्ट्रपति के कैंडिडेट बनाए थे वो तो कभी राजनीति में नहीं रहे किसी पार्टी में नहीं रहे पूरे आलम इस्लाम में उनसे बड़ा साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ एक मौका था कि आप साथ में आ जाते कंसेंसस में तो विरोध में खड़े हो गए 2007 में आप कलाम साहब को दूसरा टर्न देने के लिए आ जाते तो आप विरोध में खड़े हो गए तो चुनाव के समय आपकी बुद्धि पर कौन सा राहुकाल ग्रसित हो जाता है आकर यह तो आपको विचार करना चाहिए तो ज्यादा बेहतर होगा अब जहां तक यह बात है ठीक है आप अपने नेता के विरुद्ध कुछ ना बोलिए आज आपने एक अच्छी बात कही तो मैं अनुरोध करूंगा कि अब आप इतना ही कह दीजिए कि आपने एक सकारात्मक बात कही है कि द्रौपदी मुर्मू जी एक बहुत बहुत ब्राइट फिलॉसफी और एक बहुत हाई फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करती हैं कोई जरूरत नहीं आपको अजय कुमार जी की बात को कॉन्ट्रडिक्ट करने की आज इस सकारात्मक क्षण में कह दीजिए कि देश के लिए गौरव का क्षण है और एक गौरवपूर्ण जीवन दर्शन की प्रतिनिधित्व करती हैं द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति के पद पर बात समाप्त हो जाएगी इस समय के वातावरण में पुरानी बात भूलिए और सकारात्मक बात कह दीजिए इसमें कौन सी समस्या अच्छा प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है उन्होंने लिखा है कि आई वुड लाइक टू थैंक ऑल दोज एमपीज एंड एमएलएज अक्रॉस आ रहा हूं एक मिनट मैं प्रधानमंत्री का ट्वीट पढ़ रहा हूं प्रधानमंत्री ने ट्वीट करा है I would like to thank all those MPs and MLAs across party lines who have supported the candidature of Shrimati Draupadi Murmu. Her record victory, well for our democracy. और इसके अलावा उन्होंने कहा कि she had an excellent tenure as Jharkhand governor. बोलिए आप, बोलिए सुरेंद्र जी, बोलिए. मैं सुधांशु जी की बात से अक्षरत सहमत हूँ कि द्रौपदी मुर्मू जी महान भारतीय परंपरा का महान भारतीय गौरव का और महान भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं आदिवासी संस्कृति का ही नहीं पूरे देश की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी इस वक्त देश को संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारियों का उपयोग करके देश के संविधान की भी रक्षा करेंगी कि देश के प्रत्येक वासी के अपने सारी चीजों की भी रक्षा करेंगी कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू जी से हमें यह उम्मीद भी है अपेक्षा भी
एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, सिर्फ 3 मिनट का ब्रेक। महेश तपासे भी है एनसीपी से और राजगोपाल सीनियर जर्नलिस्ट है, वो भी है। सिर्फ 3 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, तुरंत हाजिर होंगे। सिर्फ 3 मिनट का ब्रेक। तो आज भी देश ने एक सत्याग्रह देखा। सोनिया गांधी से 2 घंटे पूछताछ की गई। कांग्रेस का आरोप है कि ये वेंडेटा है बदले की भावना से। एक चिट्ठी भी सामने आई जिसमें लिखा गया है कि सोशल फैब्रिक ऑफ आर सोसाइटी, मतलब ये समाज के सोशल फैब्रिक के लिए सही नहीं और ये मोदी सरकार की वेंडेटा पॉलिटिक्स है इस तरह से एजेंसियों का इस्तेमाल करना। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से सुरेंद्र राजपूत है, सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी से, महेश तपासे एनसीपी से और राजगोपाल जी हैं, राजगोपाल जी सीनियर जर्नलिस्ट है। मैं महेश जी अब आपके पास आ रहा हूँ। इस चिट्ठी में आपके भी हस्ताक्षर है, आपको भी लगता है ये वेंडेटा है, बदले की भावना से पूछताछ हुई है सोनिया गांधी जी से या राहुल गांधी जी से? आपके भी हस्ताक्षर हैं इस चिट्ठी में? अमन जी नमस्कार, आपके सभी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 8 साल से वेंडेटा पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में हो रहा है। वेंडेटा पॉलिटिक्स क्यों हो रहा है पहले ये समझ ली कि जब जब हम सवाल पूछते हैं महंगाई पे, बेरोजगारी पे, तब हमारी आवाज को दबाने के लिए सारी चीजें की जाती हैं। आपको संशय है तो अगर आपके पास संशय है और इफ यू हैव अ डाउट और अगर आपके पास कोई सबूत है तो जरूर कार्रवाई कीजिए। हिंदुस्तान में कानून से बढ़कर ना कोई था, ना कोई है, ना कभी कोई रहेगा। इसके लिए कानून के दायरे की सीमा हम भी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन महज किसी चीज को पोलिटिसाइज करना, ये जो बात चल रही इसके संदर्भ में आज मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में भी प्रोटेस्ट हुआ। कुछ विधायकों, कुछ सांसदों ने आके एक चिट्ठी भी लिखी, एक ओपन प्रोटेस्ट लेटर भी लिखा गया, उसमें शायद पवार साहब के भी हस्ताक्षर मैंने देखे और भी कुछ लोगों के हस्ताक्षर उसमें थे। तो अगर देश के कुछ बड़े नेता, कुछ बड़े सीनियर सांसद कह रहे हैं तो उसकी बातों को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? एक बार उनको बुला के पूछे तो सही, व्हाई डोंट यू आस्क देम, पूछ लीजिए कि क्या आपको डाउट है, क्यों आप ऐसे कह रहे हैं कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस हो रहा है। अगर उनकी बात में कुछ सही है तो आप बात आगे रखेंगे, अगर गलत बात निकलेगी तो परिणाम आपके हाथ में। तो इसीलिए एक ही हम चीज कहना चाहते हैं कि देश के अंदर जब पार्लियामेंट का सेशन हो, इसके अलावा जब दूसरी चीजें चल रही हो, तो हम काफी सारे प्रश्न पूछने, जैसे 80 रुपए का डॉलर हो गया, हमको लगता है कि शायद कल 100 रुपए का हो जाएगा, क्या हमारी स्थिति श्रीलंका जैसी होगी। अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्नों के जवाब चाहिए, उसके बदले में ईडी की कार्रवाई नहीं चाहिए। ईडी की कार्रवाई आप कर रहे हैं, आप एक किसी को एक्यूज बना के ऑन द डाउट, और जैसे प्रफुल्ल पटेल की आज कार्रवाई अभी मैं टीवी मराठी चैनल पे देख रहा हूँ, उसमें क्या नीचे आ रहे हैं, इनके ऊपर डाउट है, कोई ठोस चीज नहीं है, कोई ठोस सबूत नहीं है, इनके ऊपर डाउट, एक ही लाइन मीडिया में नीचे चल रही है अभी मराठी चैनल पे जो मैं पीछे देख रहा हूँ। तो डाउट के तहत जो पुराने जी एक सवाल निकाल के इन्वेस्टिगेशन डाउट के, वो तो जिंदगी भर चलेगी। आप कन्विक्शन कब होगा, एक्विटल कब होगा, माय क्वेश्चन इज दैट। अगर आपको, अमन जी आप मेरे अच्छे मित्र हैं, हमेशा मुझे मौका देते बात, अपनी बात रखने का, लेकिन अगर आपको मेरे पर डाउट है तो ये शायद जिंदगी भर डाउट क्लियर नहीं होगा। तो हम चाहते हैं डाउट वाली चीज ना हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। ठीक है, दूध का दूध पानी। राजगोपालन जी आप बोल लीजिए। सर महंगाई और सवाल उठाना और इस सब की वजह से परेशान किया जा रहा है, एक ही परिवार के दो दो लोगों को, पहले राहुल गांधी से इतने दिन पूछताछ, फिर सोनिया गांधी जी से, घर जाकर भी पूछताछ हो सकती थी, वो हेल्थ इश्यूज हैं, ईडी घर जाकर भी पूछताछ कर सकती थी, ये आज अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया, से परेशान करने के लिए किया जा रहा है। राजगोपालन जी ये मुझे बात तो परेशान करने के लिए बात मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात है, आज कम से कम कानून को सामने सोनिया गांधी ने मत्था टेका है, बड़ा खुशी है, क्योंकि ये पैनल में जितना लोग है, सुधांशु त्रिवेदी को इंक्लूडिंग में कह रहे हैं, मैं 40 साल पार्लियामेंट कवर किया हूँ, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, 1977 से कुलदीप नायर को हाथ से पकड़ करके मैं जूनियर रिपोर्टर से सीनियर आया हूँ, कभी नहीं देखा है पार्लियामेंट को अंदर इतना हंगामा करके, सोनिया गांधी को पोस्टर लेकर के तोड़फोड़ करके, रास्ता बाहर भी वायलेंस, इनसाइड पार्लियामेंट भी वायलेंस, ये क्या तरीका है? सेकेंड, उम्र की बात कर रहा है, सेम सोनिया गांधी का, ये अभी थोड़ी देर पहले रविशंकर प्रसाद से आपने पूछा था, उन्होंने जवाब दिया। मैं एक नया चीज बताना चाहता हूँ, यूपीए दरमियान ना डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्राइम मिनिस्टर दरमियान, पी चिदम्बरम चीफ मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, तमिलनाडु में डीएमके को सत्ता में साफ रहते, यूपीए में करुणानिधि वाइफ दीनदयाल अम्माल का 82 ईयर्स है, उनकी ईडी नोटिस भेजा है, उनके अल्जमीर बीमार है, हाथ नहीं पैर नहीं खेलती है, लेकिन उनको भी चिदम्बरम ने बुलाया, वो वेंडेटा नहीं है? आज सोनिया गांधी के बोल रहे, सोनिया गांधी 77 साल का है, लेकिन दीनदयाल अम्माल 82 ईयर्स का है, उनकी चिदम्बरम ने बदला नहीं लिया। दूसरी चीज है,
कम से कम सोनिया गांधी आज कानून को सामने झुका है, कम से कम ये वेलकम का स्टेप है, क्योंकि ये यूपीए सरकार टाइम पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में, अमन जी मैं इलेक्शन कमीशन कवर कर रहा था उस टाइम पर, नवीन चावला ने नोटिस भेजा है, शी डिड नॉट अपीयर बिफोर इलेक्शन कमीशन, इस्तीफा दे दिया उन्होंने एमपी से, फिर रायबरेली से जीत के आई है। दूसरी है जो अंबिका सोनी ने लियोपार्ड अवार्ड एक दिलाया बेल्जियम से, ये दो नागरिक का है, एक बेल्जियम नागरिक एक इंडियन नागरिक का है, ये केस चलाया इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमीशन ने पूछताछ की, सोनिया गांधी डिड नॉट अपीयर बिफोर इलेक्शन कमीशन, वो कह रहे इंडियन कानून क्या होता है, मैं सुप्रीम हूँ, कानून से बड़ी हूँ, लेकिन आज कानून को सामने झोंका है, कम से कम चार क्वेश्चन पूछा है उसको, लेकिन एक चीज है, कांग्रेस खत्म हो चुके, मुर्मू आने के बावजूद भी कांग्रेस मुक्त भारत को क्रॉस वोटिंग के बारे में बोल रहे थे आपने थोड़ी देर पहले, आज मैं ये कह रहा है शिवसेना का, एडीएमके का, सिब्बू सोरेन का फिर वापस आना एनडीए में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये सोनिया गांधी का दोनों मिला हुआ। ठीक है, मैं सुरेंद्र राजपूत जी, जो शायद सवाल का मर्म है वो यही है कि कुछ छिपाने का नहीं है तो फिर हंगामा आगजनी क्यों, आगजनी भी अगर कुछ छुपाना नहीं है तो पूछताछ है, फेस करना चाहिए, तो आगजनी हंगामा ये सब करने की क्या जरूरत, क्या हासिल होता है इससे? सुरेंद्र राजपूत जी। अब अमन भाई, हम लोग तो कानून को मानने वाले लोग, संविधान के बनाने में अपना रोल अदा करने वाले लोग हैं, हम लोग सम्मान कानून का हमेशा करते हैं और कानून के सामने हमेशा झुके हैं, जवाहरलाल जी के समय से आज तक, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ, विपक्ष के नेताओं को डरा करके, धमका करके, खौफ जदा करके जो इस वक्त देश में राजनीति चलाने का प्रचलन है, उसका विरोध होगा, धरना है, प्रदर्शन है, ये लोकतंत्र का गहना होता है और ये हम लोग हमेशा करेंगे। आपको 85 से 87 तक के अगर नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में जितने धरने प्रदर्शन किए उसमें कितनी हिंसाएं हुई, तो एक बार जरा सुधांशु जी से ईमानदारी से पूछ लीजिएगा, मैं एक पर्टिकुलर कालखंड बता रहा हूं 85 से 87 का, ठीक है? आप इस चीज को, ये सब बातें मत कीजिए, सच बात यह है कि पूरा कानून सम्मत हम सारे काम करते हैं, कानून के सामने प्रस्तुत होते, लेकिन आप अगर इसकी मेरिट पर जाएंगे, जब मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूछताछ हो रही है, तो हमारी एक अपील है आपके जरिए, चूंकि आपका प्रोग्राम वो सब लोग देख रहे होंगे, भाई एक बार ईडी आए सामने प्रेस के और कहे कि साहब इनके खिलाफ ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, एक पैसा जब ना इधर से उधर गया ना उधर से इधर आया है, तब कहां से मनी लॉन्ड्रिंग हो गई? आर्टिकल 25 के उसमें कंपनी बनी हुई है, अच्छा, जो यंग इंडिया है, उसमें अगर एक नए पैसे की भी बात, अब सुन लीजिए सर, ये गलत बात नहीं, नहीं, नहीं आप, मैं केस के मेरिट पे हम बात करेंगे, मेरा वो बस ये था कि मैंने बोला आपका अधिकार है, प्रदर्शन आपका अधिकार है, लोकतांत्रिक, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ सुरेंद्र जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, आपका अधिकार है लोकतांत्रिक प्रदर्शन, बिल्कुल होना चाहिए भाई, आपका अधिकार है, बस मेरा सवाल है ये सत्याग्रह वाला ऑफर सिर्फ फैमिली के लिए है, परिवार के लिए, या ये आप जिससे भी पूछताछ होगी सब, जब मुख्यमंत्री आ जाते हैं दिल्ली में, राजस्थान के या छत्तीसगढ़ के, तो इस बार भी आए गहलोत जी, तो ये जो सत्याग्रह वाला ऑफर है ये सिर्फ फर्स्ट फैमिली के लिए है या हर एक किसी से भी पूछताछ होगी अब इस तरह से होगा? क्योंकि पवन कुमार बंसल से भी हुई, चिदम्बरम जी से भी हुई, सबसे, तब ये सब नहीं हुआ, सिर्फ राहुल जी और सोनिया जी से ही पूछताछ पर ये वाला ऑफर क्यों? ये मूल रूप से जो ऑफर वाली भाषाएं, ये सेल्समैनों की भाषाएं होती हैं, और आप एक बहुत अच्छे, मैंने एक दिन पहले भी आपसे कहा था कि आपके पास कमाल का मार्केटिंग का दिमाग है, कहां इस चक्करों में फंसे हुए हैं, बड़ी जगह पर जाइए। मैं आपसे फिर से कह देता हूं कि जो गंभीर किस्म के प्रस्तोता लोग हैं, ये सेल्स का ऑफर और फलाने का ऑफर, ढिमकाने का ऑफर, ये कह करके आप अपनी गरिमा मत गिराइए, हमारी नजर में आपका स्थान बहुत ऊंचा है। अच्छा, एक बात में आपको जी, मेरी गरिमा की टेंशन मत लीजिए, ये सत्याग्रह वाला ऑफर सिर्फ फर्स्ट फैमिली के लिए है, फिर से या ये सबके लिए होगा? आपको आपको भारतीय जनता पार्टी से कौन सा ऑफर मिला हुआ है जो आप इतना जहर उगलते हैं? अच्छा, अगर आपको लगता है तो आप साबित कर दीजिए, वरना माफी मांग लीजिए। नहीं, तो आपको लगता है, आप तो ऐसी भक्ति में लीन है, आप तो ऐसी भक्ति में लीन है, परिवार के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनते हैं आप भाई, हम ऐसी कौन सी भक्ति है भाई, ये भक्ति प्रदर्शन चल रहा था क्या? अब उतरू आपके स्तर पर, फिर करूं आपको एक्सपोज, इसलिए कह रहा हूं पर्सनल मत हुआ करिए, मेरे से मत लड़िए,
मेरे से मत लड़िए। अरे आपसे नहीं लड़ना, आपसे बस लड़ने exactly. लायक नहीं, हाँ, नहीं, आप नहीं, आप नहीं है, आप नहीं है लड़ने लायक सुरेंद्र राजपूत। मेरा बस सवाल था कि 90 करोड़ का लोन क्यों माफ किया, फिर पूछू 5 सवाल, एक का भी जवाब दे दीजिए। 90 करोड़ का लोन क्यों माफ किया, कैसे एजीएल की सारी संपत्ति यंग इंडिया के पास पहुंच गई, क्या 5,000 करोड़ की संपत्ति 76% राहुल सोनिया गांधी क्या यंग इंडिया के पास नहीं है, ये सारे सवाल हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, अच्छा चलिए बोलिए, मैं सुधांशु जी आ रहा हूं, एक मिनट में बोलिए बोलिए, मैं दोनों ने आप जवाब ले लो, हां ले रहा हूं, ले रहा हूं जी। अमन चोपड़ा जी, अमन चोपड़ा जी मेरे पास भी आ जाओ जी, आ रहा हूं। इतना इतना गुस्सा अमन भाई आपके लिए ठीक नहीं, आप गुस्सा तो करवाते हो, करते थोड़ी हम आपको, तीन आ रहा होगा भाई आज परिवार का गांच आपको, हम आपको तीन बातें बता देते हैं, अब आप जी ले लो वो भी। आपने कहा 90 करोड़ रुपया बिल्कुल दिया गरीब पत्रकारों के, आप जैसे सक्षम पत्रकार नहीं थे नेशनल हेराल्ड में, हमने उन पत्रकारों के तनख्वाहें दी, वेजेस दिए, और हमें गर्व है कि हमने अपने पत्रकार मित्रों का और साथियों की मदद की, आगे भी करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, दुनिया की कोई भी एजेंसी, कोई भी ताकत आर्टिकल 25 में बनी हुई कंपनी से अगर एक नया पैसा निकाल ले तो वो कंपनी सीधे सरकार की हो जाएगी, चाहे उसमें 800 करोड़ हो, चाहे 8000 करोड़ हो, चाहे 8 लाख करोड़ हो, ये भारत सरकार का संविधान का नियम है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ना हम कुछ कर सकते हैं, ना मोदी जी कुछ कर सकते हैं। अगर हमने जरा सा भी इसमें एक नए पैसे का भी हेरफेर किया होगा यंग इंडिया का, तो सरकार के पास चली जाएगी, क्योंकि धारा 25 में यह प्रावधान है। हाँ बिल्कुल किया, क्यों? उसके मैं बताता हूँ, उसको भी बताता हूँ सर, आप क्यों चिंता कर रहे हो, क्योंकि 90 करोड़ का लोन वो लोग देते कहां से भाई, अगर वो लोग लोन रिपे करने की स्थिति में होते अपना एसोसिएट जर्नल नेशनल हेराल्ड, तो वो पैसे ही क्यों लेते। और आपको तो यंग इंडिया को करना था वापस, राइट टू रिकवरी यंग इंडिया को दे दिया गया। हाँ हाँ मैं बताता हूँ ना क्यों दिया गया, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आप पूरी बात सुनिए ना। तीसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि एसोसिएट जर्नल की प्रॉपर्टी का एक इंच भी अगर कांग्रेस, गांधी परिवार या कांग्रेस से संबंधित या गांधी परिवार से संबंधित किसी के पास भी एक इंच होगा तो वो जमीन सरकार को जाएगी। 76% एक नया पैसा भी, ठीक है पता है, सिंपल सी चीज है ये। चैनल पर सुधांशु त्रिवेदी जी बोल रहे, जो पत्रकार महोदय बैठे, मैं इनकी उम्र की इज्जत कर रहा हूँ, सच बात ये है कि काहे को संघ की मानसिकता रे भाई, ईमानदारी से बात कर लिया करो। सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी आपकी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठा रहा, नहीं सुधांशु त्रिवेदी के पहले मुझे एक जी है, रामन जी, अमन जी, सुधांशु, सुधांशु जी बोल ले, फिर राजगोपालन जी आप बोलिएगा, एक एक करके बोलेंगे तो आसानी रहेगी डिबेट में। देखिए अभी जो बात बोल रहे थे, अब ये बहुत सारे आरोप लगाए सुरेंद्र जी ने, अब मैं कोशिश करूंगा संक्षेप में क्रमवार उत्तर दूं। सबसे पहले इन्होंने कहा एजेंसियों का दुरुपयोग, सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग। आज जो आपके मुख्यमंत्री महोदय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपको पता है 2019 के आपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि आप सीडेशन यानी देशद्रोह का कानून समाप्त कर देंगे, पर 2019 के बाद सबसे पहले देशद्रोह का कानून किस सरकार ने लगाया? गहलोत सरकार ने लगाया। किसके विरुद्ध लगाया? विधायकों के विरुद्ध लगाया। किन विधायकों के विरुद्ध लगाया? अपने विधायकों के विरुद्ध, कांग्रेस सरकार के उन असंतुष्ट विधायकों के विरुद्ध लगाया यूएपीए। दूसरा, पत्रकार के विरुद्ध लगाया, इन्हीं अमन चोपड़ा के खिलाफ भी लगाया उन्होंने। अब आप ये समझिए, और वो लोग आके आज भाषण देते हैं कि साहब हम तो बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है, फलाना झूठ बोला क्या? हंसने से नहीं होता सुरेंद्र राजपूत जी, बिल्कुल। अरे मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ भाई, आपने पहला मुद्दा दुरुपयोग का बोला, दुरुपयोग का जवाब दे रहा हूँ। अरे भाई देखिए, आप बोले तो मैंने डिस्टर्बेंस नहीं किया, बीच में नहीं, दुरुपयोग आपने कहा, अब मैं बाकी यथार्थ देता हूँ, अब मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ। आइए बिल्कुल मुद्दे पे, 90 करोड़ का लोन था ना, तो ये बताइए जिस जमाने में 2004 से 2014 के बीच में राजीव गांधी फाउंडेशन को बनके 110 करोड़ रुपया सरकार दिलवा सकती है, सरकारी विभागों से दिलवा सकती है, और नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज और नवजीवन को विज्ञापन नहीं दिलवा सकती थी। 3 करोड़ रुपए के भी विज्ञापन दिए होते 10 साल में तो तीनों के पास 30-30-30-90 पूरे हो गए होते। या आप ये मानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के समय बना हुआ नेहरू जी द्वारा स्थापित नेशनल हेराल्ड इस लायक नहीं था कि उसे यूपीए सरकार में विज्ञापन मिलते?
आराम से 90 करोड़ का घाटा आप चुकवा सकते थे, मगर नियत कुछ और थी। इधर 110 करोड़ अंदर करना था राजीव गांधी फाउंडेशन में, उधर 90 करोड़ का बहाना बनाकर वो पूरी संपत्ति करनी थी। अन्यथा मुझे बता दें कि जब वो आपका अखबार निरंतर खराब स्थिति में जाता चला जा रहा था, आपकी जलवाय जलाल की सरकार ने उसे कितनी आर्थिक मदद दी, कितना विज्ञापन दिया, अरे बड़ा बड़ा लोगों को बड़ा बड़ा लोन दिया, मगर बैंक से भी लोन नहीं दिया, विज्ञापन भी नहीं दिया, सूचना विभाग से नहीं दिया, राजीव गांधी फाउंडेशन को तमाम विभागों से मिल गया, PSU से मिल गया, इनको किसी से नहीं मिला, क्या ये बात तर्कसंगत लगती है? दूसरी बात, अब एक बात और कह दूं, आपने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में कौन कौन से आंदोलन हुए, 85 से 87 की दौर की बात कर रहा हूं, मानेवर 85 87 मोदी जी राजनीति में नहीं थे, 1989 में भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, 90 में वो राष्ट्रीय सचिव बने हैं, आप कुछ बोल देते भाई, अरे आपको जानकारी नहीं, आप बताइए कौन से पद में थे भाजपा में, कुछ बोलने लगते हैं, भाजपा में आए 1990 में, अब बोल रहे 85 से 87 में, 85 87 में संघ की बात थी, अब देखिए ये अभी आ गए। और दूसरी बात, जनता पार्टी की राजनीति में आ गए ये संजय जोशी दोस्त, मान्यवर भारतीय जनता पार्टी में 1990 में आए, अरे भाई आपको आपसे ज्यादा पता है। अब दूसरी बात बताता हूँ, देखिए आप बोल रहे नहीं किया, आपके मुझसे निकल जाती है गलतियां, अरे भाई गलतियां हो जाती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, गलत तथ्य सामने निकल जाता है, अरे भाई आपके मुंह से निकल जाती है आजकल, आपको हाँ आपकी बात तो कायम रही है, आपके पास कायम रहने के अलावा कोई चारा नहीं है। और रही बात इसकी की विद्वेष, ये मैं पूछना चाहता हूं, आपने कहा ऑफर सबसे आपको आपत्ति थी, तो अब हम ये पूछना चाहते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पर हो तो यह विशेषाधिकार यह जांच एजेंसी उसके दरवाजे पे उसके चौखट पे आके सर झुका के सवाल पूछे, यह विशेषाधिकार समस्त नागरिकों को होना चाहिए या देश के प्रथम परिवार वाले लोग जो यह मानते हैं कि सत्ता उनका जन्मना अधिकार है, यानी लोकमान्य तिलक ने कहा था स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जो मानते हैं राज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, सिर्फ उन्हीं लोगों को होना चाहिए, या भी बता दीजिए ईमानदारी से, या फिर सब बराबर होने चाहिए। मैंने सवाल पूछा था इसलिए क्योंकि राहुल गांधी जी से भी कई सीनियर लीडर से पूछताछ हो चुकी है, उनसे कई सीनियर लीडर है पार्टी में ही, उनके लिए भी ऐसा सत्याग्रह या इस तरह का प्रदर्शन नहीं हुआ, ये जो सिर्फ परिवार के लिए ये है क्या? मैंने ये और आगे अगर होगा तो सबके लिए होगा, मैंने इसलिए पूछा था। पहले राजगोपालन जी बोलेंगे, आप अच्छा चलिए त्रिवेदी जी आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर राजगोपालन बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे आप, त्रिवेदी आप कंप्लीट कर लीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे रही बात द्वेष की, सुनिए मोदी जी के खिलाफ अभी रविशंकर प्रसाद जी ने बताया, मोदी जी के खिलाफ आपने इतना किया, हमने कोई प्रदर्शन नहीं किया, अमित शाह जी के खिलाफ किया, कोई प्रदर्शन नहीं किया, याद करिए ढांचा विध्वंस के मामले में अडवाणी जी, जोशी जी, कल्याण सिंह जी के खिलाफ, उमा भारती जी के खिलाफ क्या क्या नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमें पता था कि हम निर्दोष निकलने वाले, और आप थेला नहीं प्रूफ कर पाए 16-17 साल में, और आपने क्या क्या किया, मान्यवर जॉर्ज फर्नांडिस को हाथ में हथकड़ी लगाकर सड़क पे एक अपराधी की तरह चलाया इमरजेंसी के दौरान, देश के सारे नेताओं पे वो आरोप, वो आपने धाराएं लगाई थी जो आज आतंकवादियों के ऊपर लगती हैं, अपराधियों के ऊपर लगती हैं, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया था, आज प्रवचन करते हैं आकर, बताइए जॉर्ज फर्नांडिस हाथ में हथकड़ी लगाकर सड़क पे चलने वाले लोगों में से एक थे, इसलिए मैं कहता हूं मान्यवर आप जो बात कहते हैं आपके साथ समस्या है कि कहावत है रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, सत्ता चली गई पर अभिमान नहीं गया। राजगोपाल जी, ईडी इडियट, इडियट भी कहा गया ईडी को, मुझे 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 अमन जी मुझे एक आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूँ, ये राजपूत साहब कल सुबेरे छत्तीसगढ़ पुलिस को मेरा घर पर नहीं भिजवाना चाहिए, वो मैं एक दो चीज कड़वा चीज बोलना चाहता हूँ, वो राजपूत साहब को अभी समझ में आ जाएगा, ये पासपोर्ट ऑफिस है नेशनल हेराल्ड ऑफिस का अंदर, उससे किराया किसने ले रहे हैं? नहीं बाबूजी बाबूजी जो चेक कीजिए राजगोपालन, एक मिनट बीच में नहीं, बीच में नहीं सुरेंद्र राजपूत जी, बीच में नहीं वो आपके बीच में नहीं बोले ना, ये सब जितने अभी आप कह रहे थे मैं उम्र का लिहाज कर रहा हूं, सुनते अरे रेंट कहां आ रहा है वही तो पूछ रहे हैं भाई, कहां जा रहा है रेंट, कहां आ रहा है बैंक में चेक कीजिए ना, तो वो भाई 76% किसके पास है, करिए ना बैंक में किसके पास है, यंग इंडिया में 76% किसके पास है, पैसा भी इधर से उधर होगा भाई, नेशनल हेराल्ड नहीं अमन को अमन चोपड़ा, अरे वो पूछ रहे हैं भाई राजगोपालन जी, नौकरी छोड़ देना, अच्छा पूछ सकते हैं सवाल या नहीं, छोड़ देना सवाल पूछना मना है क्या भाई, अरे नौकरी छोड़, सवाल पूछना मना है क्या, सवाल पूछना मना है, सवाल पूछ सकते हैं राजगोपालन जी, अमन चोपड़ा भी सवाल पूछ सकते हैं,
अरे भाई सवाल आपकी राजगोपाल जी आप पूछिए राजगोपालन जी पूछिए पूछ लेते राजगोपालन जी पूछ लेते आपने चोरी करनी छोड़ दी क्या राजगोपाल ये सवाल है राजगोपालन जी आप कंप्लीट करिए राजगोपालन जी आज आप कंप्लीट करिए एक एक अमन जी मुझे सचमुच डर लगता है जी ये कल सुबह छत्तीसगढ़ पुलिस आ जाएगी मेरे घर में तो मोदी जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं अमन चोपड़ा प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप क्या करोगे सुरेंद्र राजपूत जी आपसे एक सवाल पूछा रेंट कहां जा रहा है मैंने कहा आपको ना बुरा लग गया राजनीति और नौकरी आप कह दीजिए नहीं आ रहा आप कह दीजिए रेंट कहां जा रहा है भाई पूछ रहा हूं मैं अगर एक नया पैसा भी गांधी परिवार अच्छा चलिए एजेएल अच्छा एजेएल एक मिनट सुधांशु त्रिवेदी जी एजेएल की पूरे देश में कितनी संपत्ति है 5,500 करोड़ रुपया 3,500 करोड़ की संपत्ति है वो 3,500 करोड़ की संपत्ति के 90 करोड़ शेयर जो है वो पूरे ट्रांसफर यंग इंडिया ये तो फैक्ट है ये तो मैं गलत नहीं हूँ अच्छा नहीं है यंग इंडिया कांग्रेस को बदनाम अच्छा नेशनल हेराल्ड की संपत्ति अच्छा चलिए मैं गलत संविधान को बदनाम कर क्या ये गलत है सुधांशु जी कि यंग इंडिया को नेशनल हेराल्ड की संपत्ति कर रहे हो तो फिर केस ही नहीं है इसका मतलब चलिए एक मिनट पहले राजगोपाल जी कंप्लीट कर ले उनको बोलने ही नहीं दिया इतना डरा दिया सुरेंद्र राजपूत जी ने राजकुशी मैं आपसे जान पहचान नहीं था आज जी आपसे मुलाकात कर रहे हैं क्यों मुझसे ऊपर टोट करे भाई मुझे मेरी बात तो सुन लो एक एक कर मेरी बात तो सुन लो सीनियर जर्नलिस्ट है एक एक कर अच्छा ये चीज है सुप्रीम कोर्ट हमने खूब देख लिए हैं सर इतने सीनियर जर्नलिस्ट 2014 बस सुरेंद्र जी डिबेट स्पॉइल हो गया प्लीज नहीं ऐसे नहीं ऑडियो बंद एक एक करके प्लीज बोलिए ये सुप्रीम कोर्ट में अमन जी सुप्रीम कोर्ट में कम से कम कपिल सिब्बल पी चिदम्बरम अभिषेक मनु सिंघी बड़े बड़े वकील साहब ठीक है गए थे ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा नीचे कोर्ट में जा करके बेल ले लीजिए बेल हम वापस नहीं लेंगे इसको राजपूत साहब क्या जवाब दे रहे हैं वो सोनिया गांधी मैडम राहुल गांधी भाई साहब दोनों बेल में है जेल में है ये बताना ठीक है तीसरी चीज है मुझे एक लास्ट पे पूछ करके मैं बताना चाहता हूँ 90 करोड़ लोन से 3,500 करोड़ का प्रॉपर्टीज है यही तो मनी लॉन्ड्रिंग है नहीं 90 करोड़ भी नहीं दिए 50 लाख दिए थे ना राइट टू रिकवरी कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडिया को राइट टू रिकवरी दिया हाँ एग्जैक्टली कंपनी डोटेक्स हाँ अच्छा वो 50 लाख भी डोटेक्स से लिए थे आप ये कह रहे हैं चलिए सुधांशु त्रिवेदी जी बोलेंगे सुधांशु फिर मैं महेश तपासे जी आ रहा हूँ एक एक करके बोलेंगे कोई किसी के बीच में ना बोले प्लीज सुधांशु त्रिवेदी सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि एजीएल की एक मिनट सर मेरा सवाल है सर मेरा सवाल है सर नहीं नहीं दर्शक दे त्रिवेदी जी मेरा सवाल है तो फिर नेशनल हेराल्ड की संपत्ति यंग इंडिया को ट्रांसफर की नहीं गई थी फिर वो 90 करोड़ शेयर 10 रुपए वो था ही नहीं मतलब 9 करोड़ 10 रुपए देखिए शेयर ट्रांसफर कंपनी आर्टिकल 25 की कंपनी ये बहुत सारे लोगों को शायद उतना आसानी से समझ में ना आए तो मैं एक मोटी बात कहता हूं अमन जी ये बताइए जिस संस्थान के पास 3,500 करोड़ की संपत्ति हो वो 90 करोड़ का कर्जा नहीं चुका पाई ये बात किसी के गले के नीचे उतरती है और सुरेंद्र सिंह राजपूत जी मुस्कुराते हुए बैठे हैं लखनऊ में हैं कैसरबाग चौराहे के पास जो नेशनल हेराल्ड की इतनी बड़ी जमीन थी मान्यवर अकेली वो जमीन बेच के 90 करोड़ का कर्जा उतारा जा सकता था प्राइम लोकेलिटी में लखनऊ की दिल्ली भोपाल छोड़ दीजिए इसलिए मैं कहना चाहता हूँ शर्म कर लो अरे भाई मैं आपसे बात तो कह रहा हूँ मान्यवर शर्म की क्या बात है 3,500 करोड़ की संपत्ति रखने वाला संस्थान 90 करोड़ का कर्जा नहीं दे पाया और इसलिए 50 लाख रुपए में उसने दूसरे को कर्जा देने का अधिकार दे दिया शर्म किसको करनी चाहिए ये सबको अरे भाई बताइए ना पूछ रहे हैं अरे भाई 3,500 करोड़ बेच दी कि नहीं अरे बताओ वो जमीन किसके पास है वो बेची कि नहीं है कंपनी को हद होती है भाई बेहुदे मन से बात करने की शर्म करने लगे शर्म तो आप करिए कितने करोड़ का विज्ञापन दिया 10 साल में बताइए तीनों अखबारों को बताइए नेहरू जी द्वारा संस्थापित अखबार में कितने विज्ञापन दिए 2004 के बाद बोलिए आपके दौरे हुकूमत में अखबार बर्बाद हो गया क्या बात करते हैं भाई गजब की बात करते हैं ऐसा नहीं है मैं वो नहीं अब तो विज्ञा की नहीं सुरेंद्र अरे विज्ञा की नहीं क्या बोलने लगते हैं साधारण सवाल है भाई जिसके पास जिसके पास 3,500 करोड़ की संपत्ति 90 करोड़ का
कर्जे में बिक गई। अच्छा महेश तपासी, इसे कहते हैं तिनके की ओट में पहाड़ छुपाना। महेश तपासी, महेश तपासी, महेश तपासी, ये देखिए आप सवाल पूछना मना है भाई। ये तो क्या बोल रहे हैं भाई, किस तरीके से बोल रहे हैं सुरेंद्र जी? क्या हो गया, नापाक हो रहा है भाई? क्या हो गया सुरेंद्र जी? आज क्या हो गया भाई, दिख रहा है ना? नहीं ना सरदार, सब शाबाशी करने को तैयार नहीं है। भाषाई अभद्रता की सीमा तक आते जा रहे हैं, जिसमें बच्चों के लिए आप, अरे तो बताओ ना कितने करोड़ का विज्ञापन दिए थे चरण हरण को भी, बात को दम जीवन को। सुनिए एक मिनट, सुनिए आनंद जी बताइए, सुरेंद्र सिंह आपको 10 साल में कांग्रेस सरकार ने नेशनल हेराल्ड को कितना विज्ञापन दिया? बोलिए मुझे जवाब चाहिए, आपकी सरकार ने कितना विज्ञापन दिए? मैं बता विज्ञापन आपने तमाम अखबारों को दिए, और क्या फिर ये कहिए कि नेहरू द्वारा संस्थापित अखबार आपकी सरकार के लिए इस लायक नहीं था कि उसे 1 करोड़ का विज्ञापन दिया जाए? झूठ मत बोलिए, बोलिए जवाब दीजिए, दाएं बाएं मत भागिएगा। आपको जानकारी ही नहीं है, 1993 में इस अखबार की प्रिंटिंग बंद हो गई थी। इसको अगर हम विज्ञापन देते तो आप कहते '93 में किसकी सरकार थी? 93 में कांग्रेस सरकार में प्रिंटिंग बंद हो गई। क्या जिनका राज निकल के सामने आया है सुरेंद्र गांधी? हो गया बस, गजब आज मुश्किल देना उनके लिए। कांग्रेस सरकार रहते हुए प्रिंटिंग बंद हो गई, कांग्रेस सरकार आने के बाद महेश जी 1 नहीं दिया 3500 करोड़ की संपत्ति रखते हुए कंपनी बिक गई। महेश जी आखिरी कमेंट आपका, महेश जी आखिरी कमेंट आपका ईडी को इडियट प्रदेश में भी राष्ट्रपति शासन था। ईडी को ऑडियो बंद है भाई, एक मिनट, बस एक मिनट। महेश तपासी का आखिरी कमेंट, उनके पास जा नहीं पाया, कम समय दिया उनको मैंने। एक मिनट सुरेंद्र जी, आपके पक्ष में बोल रहे हैं महेश जी, एनसीपी से आप ही के पक्ष में बोल रहे हैं महेश तपासी, लेकिन फिर भी हंगामा क्यों करना? ये एजेंसी पर दबाव बनाने के लिए नहीं है, आगजनी हिंसा ये सारी चीजें। मेरे ख्याल से ऑडियो नहीं पहुंच रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सौ बात की एक बात।